हरिद्वार से संतों को निशाना बनाने का मामला सामने आया है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी का आरोप है कि कुछ अराजक तत्व उनको और देश के प्रमुख संतों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हरिद्वार के चंडीघाट स्थित आश्रम में एक व्यक्ति आया था और नाम बदलकर आश्रम की रजिस्टर में उसने एंट्री की। संदिग्ध व्यक्ति ने आश्रम की रेकी भी की। आरोपी को प्रयागराज की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला संत साध्वी त्रिकाल भवंत का कहना है कि आरोपी स्वामी कैलाशानंद गिरी को खीर में जहर मिलाकर देना चाहता था। संतों को अपनी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने होंगे। 29 नवंबर को वो आया है, चार लोगों से आश्रम में मिला है, 5 घंटे वो रहा, 500 रुपये की उसने रसीद कटवाया है, 500 रुपये की उसने रसीद कटवाया है गौशाला की, और फर्जी रसीद कटवाया है, फर्जी अपनी आईडी जमा किया है, आश्रम की बाहर की रैकी किया उसने, एक नक्शा बनाया है प्लेन पेपर पे। तो कहने का तात्पर्य कि कोई न कोई व्यक्ति उसके पीछे जरूर है और उसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए, पुलिस कर रही है, उत्तराखंड पुलिस, क्योंकि हमने यहाँ SSP साहब को भी बताया है, हमने DM साहब को भी बताया है, रविंद्रपुरी जी महाराज, हरिगिरी जी महाराज यहाँ आ गए हैं, सभी लोग अभी बात करेंगे इस विषय पर पुलिस से, और पुलिस निस्संदेह उत्तराखंड पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस इसको सही जांच पड़ताल करके सही अंजाम तक पुलिस पहुंचेगी। जितने हमारे विरोधी है उनका एक ही इश्यू हो, एक ही मिशन बनाया है, कैलाशानंद की हत्या हो, महंत रविंद्रपुरी की हत्या हो, महंत हरिगिरी की हत्या हो, हम लोग कैसे मर जाएं, कैसे हमारे ऊपर कोई ऐसा बुरा हो जाए, मर जाए या हमारी हत्या हो, ये लोग हमारे पीछे लगे रहते हैं। तो इसके लिए जो है एक लड़का जो बागपत से आया था वो महाराज के आश्रम में रुका था, और उसके बाद 5 घंटे रुकने के बाद पूरी जो वाज जो पे जो भी वहाँ जो जगह है भंडार आदि है वहाँ उसने देखा, उसके बाद वो यहाँ से इलाहाबाद गया। इलाहाबाद में आपने देखा होगा हमारी एक माता जी त्रिकाल भवंता है, जो शंकराचार्य पद के लिए बीच में हमारा विवाद था, लेकिन देखिए एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। वो लड़का उनके पास गया, बोला माता जी वो जो कैलाशानंद रविंद्रपुरी आदि जितने लोग हैं ये आपके विरोधी है, हम इनको ख़त्म करना चाहते हैं। तो भाई वो कैसे होगा, बोले जी उनके वहाँ भंडारा है और उनकी जो खीर बनेगी खीर में जो है जहर मिलाया जाएगा। तो माताजी ने क्या किया, माताजी ने तुरंत जो है पुलिस को बुलाया और वो लड़का बंद हो गया है, बाकी उसकी जांच UP पुलिस कर रही है।